हे गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम गोरखपुर। अभी सुबह के 7:15 बज रहे हैं, 7:30 ऐसा ही कुछ बज रहा है। और मैं तो रेडी हो गया है। अमित भाई फिलहाल नहा रहा है एंड राहुल का भी बाइक ऑलमोस्ट रेडी है। मतलब वो लोड बीड करके सब सामान चेन ल्यूब डाल के अभी निकल गया, चेन क्लीनर डाल के। ल्यूब तो हम बाद में करेंगे, बट आपको यहाँ पे एक स्पेशल पर्सन को मिलाना था। अपने भाई साहब है, आ जाइए भाई। चंद्रमणि यादव। तो भाई वकील है, ठीक है, और यूपी में है, गोरखपुर में है, एंड दैट टू सिविल जी। तो मतलब कोई भी लफड़ा हो आपको गोरखपुर में सिविल से, तो भाईजान ही है यहाँ पे, ठीक है, तो कर लेंगे। और भाई यहाँ पे ही रहते हो ना कोई आजू बाजू में? जी, रुस्तमपुर में। अच्छा, तो भाई ने एक्चुअली मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज किया कि भाई कहाँ पे लोकेशन दे दो। तो मैंने जैसे ही लोकेशन दिया, उसके 15 मिनट में भाई साहब यहाँ पे। तो मतलब ऐसे लोग हैं यार, अपने सब्सक्राइबर एक नंबर। चलो अभी भाई से बात करते और फिर आपको रोड के ऊपर ही सीधा सब लोड करके मिलते हैं। बाय बाय। तो अभी अपने मनी भाई अपने को हाईवे तक छोड़ने के लिए आ रहे हैं, नेशनल हाईवे 27 ना, सिलीगुड़ी के लिए। तो चलो भाई चलते। भाई क्लासिक चलाते, वैसे 14 साल से क्लासिक चला रहे। हाँ, पहले वो साइड का गियर वाला जो था ना, वो भी यूज़ किया है भाई ने। नहीं, ये साइड गियर वाला और वो साइड ब्रेक। चलो बढ़िया है भाई। दोस्तों हम लोग निकल पड़े हैं टूवर्ड सिलीगुड़ी एंड सुबह सुबह का टाइमिंग है यार, मस्त। थोड़ा सा जो बोलता है ना घना कोहरा टाइप, वैसा था सुबह सुबह, बट अभी वो कम हो गया है एंड अभी वी कैन राइड इजीली। 7:42 हो गया एक्चुअली निकलते निकलते। हमारा टाइमिंग था कि 7 बजे निकल जाना चाहिए, बट यार इंटरकॉम पेयरिंग और चेन को क्लीन करना है, ल्यूब करना है, ये वो, उसमें टाइम चला जाता है। तो अभी क्या करें। एनीवेज अभी हम लोग कहीं पे तो रुकने वाले फॉर द नाश्ता, तो वहाँ पे मैं अगेन चेन ल्यूब कर लूँगा अपने गाड़ी को और राहुल की गाड़ी को भी। बाकी अमित भाई को तो यार टेंशन नहीं है, उनका तो मतलब चेन है ही नहीं, उनका तो सीधा ड्राइव शाफ्ट है। आज थोड़ा हाईवे टू हाईवे चलने का मौका मिलेगा, तो लेट्स सी कैसा होता है क्या होता है। अभी अपने जो मनी भाई है वो अपने को हाईवे तक छोड़ रहे हैं, तो उनके पीछे पीछे गाड़ी चल रही है अपनी। भाई ये गोरखपुर के जस्ट बाहर निकल रहा हूँ मैं, और ये क्या घना जंगल है भाई, एक नंबर भाई। मतलब इतना इतना डेंजरस जंगल, इतना गोरखपुर मेन सिटी के जस्ट बाहर। अरे बाप, जो सूरज की किरणें आ रहे हैं वो पेड़ों के बीच में से एक नंबर दिख रही है भाई। फाइनली वी टच डाउन टू मेन हाईवे। वाओ, व्हाट अ रिलीफ मैन। तो गाइज, ये है अमित भाई के फ्रेंड शैलेश त्रिवेदी जी, जो कि त्वेदी जी। तो शैलेश त्वेदी जी है और ये अपना क्लासिक चला रहे 350। हमारे साथ आ रहे थोड़ा आगे तक, क्योंकि नाश्ता करना है साथ में मिलके। तो ऑब्वियसली अमित भाई के दोस्त है, तो यार थोड़ी बहुत बातें भी करेंगे। ये लोग बचपन के दोस्त है, तो अमित भाई के कुछ सीक्रेट भी हमको जानने के मिलेंगे, जिससे फिर अमित भाई के खींचने वाले हैं। अमित भाई बोल रहे कुछ नहीं मिलने वाला। सॉरी गाइस यार, हमारा इंटरकॉम को जो आवाज़ है ना, वो मैं अब तक पहुंचा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे हम लोग मजा कर रहे हैं, तो ना मेरे को मतलब हर एक जगह पे बीप बीप डाल के ना मसाला, मेरा एडिटिंग जो 1 घंटे का है उसमें 1 दिन लग जाएगा, तो उससे अच्छा मैं आपको नहीं सुना पा रहा हूँ, क्योंकि इधर कोई भी कन्वर्सेशन की स्टार्टिंग ही गाली से होती है और एंडिंग भी गाली पे होती है। ऐसा कुछ होटल है, यहाँ पे हम लोग रुके हैं। अभी ऑर्डर तो दिया है, मस्त गरम गरम पूरियाँ और ये सब बन रही थी, तो बोला यार चलो इधर ही खा लेते हैं। और ये राहुल चाय पी रहा है, और ये है अपने अभी न्यू दोस्त शैलेश, और ये बन रही है हमारे लिए गरम गरम पूरियाँ। तो अभी फिलहाल प्लान तो ऐसा ही है कि यार जितना हो सके उतना डिस्टेंस कवर कर ले, क्योंकि रात में नाइट के टाइम पे राहुल के गाड़ी के ऊपर लाइट नहीं, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। और कल एक दो बार उसके क्लोज कॉल हुए भी, सो दैट्स व्हाई अभी मेरे को रिस्क नहीं लेना है। देखते हैं कल सिलीगुड़ी में राहुल के गाड़ी पे जो मेरे फॉग लैंप्स है वो मैं लगाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि न्यू फॉग लैंप लेना अभी तो फिलहाल पॉसिबल नहीं है। एंड ये है, मैं बार बार उधर क्यों देख रहा हूँ आपको दिखा देता हूँ। तो
यार गाड़ी के ऊपर थोड़ा ध्यान भी देना पड़ता है बार बार कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ठीक है। सो आई होप कि ये वीडियो काफ़ी अच्छा बने। जो पिछला वीडियो है उसमें सिर्फ गाड़ी चला रहा था मैं बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था, तो ये वीडियो अच्छा बनना चाहिए। बहुत ही अच्छा खाना खा के निकल रहे हैं, चलो सब बाय मिलते हैं। यस नहीं, एटलीस्ट डोमिनार तो चाहिए, मतलब एटलीस्ट, ठीक है, सबसे कम पैसे में कोई गाड़ी ले सकता है तो वो है डोमिनार टूरिंग के लिए, ठीक है। और हाँ वही तो ना, और इसमें सब होता है ना भाई, एक्स्ट्रा लाइट ये वो सब कुछ हो जाता है ना डोमिनार। हाँ अरे वही तो ना, डोमिनार कैसा पता है क्या, कम पैसे में सबसे बेस्ट बाइक है, मतलब जिसके पास अभी है ही नहीं कुछ। अरे थोड़ा रॉन्ग साइड से सब जन आ रहे हैं, संभाल के इधर, सब ऐसा ही है भाई, सब आड़े तेड़े घुसते। सो गाइस फाइनली वी आर इन बिहार, तो बिहार में एंट्री हो गई है और रोड वही है, मस्त हाईवे है, अच्छे से भगा पा रहे हैं, अच्छे से स्पीड मेंटेन कर पा रहे हैं, और बिकॉज ऑफ ये सब ऐसा डिवाइडर आ रहे हैं, सब जगह से बैरिकेड आ जाता है जब भी सिटी आता है, तो उसकी वजह से ये रोड काफ़ी सेफ है जो कल हमने चलाया था उससे। ये अभी कहाँ पे हम? कौन सा? मुजफ्फरपुर। ओके पेट्रोल भरा है और अभी थोड़ा हवा चेक करोगे, मुझे लग रहा है ज़्यादा है। कितना है? 35। कितना? 35। 30 कर 30। वही यार भगा रहे ना गाड़ी तो थोड़ा ना, बस। हे गाइस मैं आपको सीधा 2-3 घंटे बाद मिल रहा हूँ। उसके बाद हमने जस्ट खाना खाया, खाना में जस्ट नॉर्मल जो रहता है अपना दाल रोटी उतना ही खा लिया और निकल पड़े अगेन आगे अपने रोड के ऊपर। फिलहाल मैं हूँ दरभंगा में और राहुल व्लॉग एंड अमित भाई दोनों के दोनों आगे निकल चुके हैं बहुत ज़्यादा, एंड मैं अकेला फिलहाल हूँ सोलो राइड के ऊपर इन बिहार। तो दोस्तों अभी सिलीगुड़ी है 230 किलोमीटर, बहुत ज़्यादा भगा है यार, इन दोनों को पकड़ने में मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, 140 के स्पीड पे अराउंड 30 किलोमीटर गाड़ी भगाई है। एंड राहुल तो बहुत बढ़िया गाड़ी चला रहा है यार, मतलब KTM के ऊपर साला इतना लंबा कैसे चलाते मेरे को तो समझ में नहीं आता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल बाइक है भाई। एंड लुक एट द व्यू यार, एक नंबर दिख रहा है कुछ भी, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े ब्रिज हमने क्रॉस किए हैं और सब के सब एक नंबर दिख रहे थे। हे गाइस सो वी आर समवेयर इन बिहार और क्या व्यू है यार, ये व्यू की वजह से मैं यहाँ पे रुक गया, आपको दिखाता हूँ एक बार। ये यहाँ से स्टार्ट जो हो रहा है ये पूरा का पूरा गेहूं का खेती है, इतना बड़ा फील्ड यार गेहूं का मैंने फर्स्ट टाइम देखा है अपने पूरे लाइफ में, और ये साइड भी सेम वही है, बहुत सही है यार कुछ भी बोलो मतलब। और जो रोड कंडीशन है यार वो तो एक नंबर है, मतलब अगर किसी को भी ये साइड आना है फॉर दिस सिलीगुड़ी एंड वॉट एवर द राइड यू वॉन्ट टू डू इन नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, तो प्लीज़ डोंट गो फ्रॉम भोपाल, कम फ्रॉम जयपुर, देन जयपुर टू आगरा, आगरा टू लखनऊ एंड लखनऊ टू दिस रूट। सो लखनऊ के आगे जो हम लोग कल से आए हैं, मतलब आज सुबह से, एक नंबर का रोड था। और मेरी जो डोमिनार है यार एक नंबर परफॉर्म कर रही है मेरी डोमिनार फ़िलहाल तो, एंड बाकी आगे GS है और वहाँ पे ड्यूक है। सो अमित भाई हाउ वॉज द एक्सपीरियंस आज का दिन भर का? अरे सुपर यार, लाइक वी हैव एन अमेजिंग रोड राइट नाउ, ओके कल से तो बहुत अच्छा है। तो मैंने बोल दिया लोगों को कि भाई जिनको भी यहाँ पे आना है वो जयपुर और ये होके आ जाए, प्लीज जयपुर होके आइए या फिर लखनऊ होके आइए, सीरियस। बट इस रोड से कभी नहीं आने का, मैं स्ट्रिक्टली मना करेगा अगर आप सागर से आ रहे हो या बेंगलोर से आ रहे हो। अभी और कितना किलोमीटर जाना है अपने को? 190 किलोमीटर है मोर सिलीगुड़ी, और बता रहा है अराउंड 8:30 ना, 8:30 बजे हम लोग पहुंच जाएंगे। तो चलो अभी गाड़ी को थोड़ा और भगाते हैं क्योंकि यार नाइट में मुझे ट्रैवल नहीं करना है यहाँ पे, चलो बाय। अमन भाई कहाँ पे अपन अभी यहाँ पे? ये फॉरबिसगंज। अच्छा तो 2 साल से भाई को जानता हूँ, 2 साल से फ़ोन पे बात भी करता हूँ, ठीक है, मतलब भाई का मैंने हर एक चीज़ मेरे को पता है, हर एक चीज़, मतलब डोमिनार लेने का बाद में इम्पल्स है ये वो सब कुछ पता है। और अमन भाई के दोस्त, भाई आपका नाम? प्रतीक। प्रतीक भाई
तो प्रदीप भाई आप इधर ही रहते हो एरिया में? अच्छा ओके। तो अमन भाई थैंक यू यार आप यहाँ पे आए मुझे मिले एकदम, और तो और उसके लिए आपके वाइफ को भी थैंक यू कि जो बनाया था बहुत बढ़िया था, मेरे को बहुत पसंद आया, थैंक यू सो मच। अगर आते टाइम भी यहीं से आते तो और कुछ खाना घर पे आ जाएंगे पक्का आ जाएंगे क्योंकि अच्छा बना था। ओके, और अच्छा खाने के लिए मैं तो किधर भी घुस जाएगा। ठीक है चलो बाय, थैंक यू सो मच यार आने के लिए, चलो बाय। यस चलो गाइस, बहुत मज़ा आया यार अमन भाई से मिलके, और स्पेशली जो उन्होंने घर का बना हुआ खाना लाया था ना हम लोगों के लिए, एक नंबर था। तो अभी लेट्स गो, हमें बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है क्योंकि ऑलमोस्ट 5 बज गया है, एंड यहाँ पे 5 बजे देखो यार रोड की कंडीशन देखो, मतलब अंधेरा होने को आ गया ऑलमोस्ट। चल भाई जाने दो भाई। तो गाइज इट्स 5:05 हो गया है यार शाम का, और आप देख सकते हो जो सीन है, मतलब पूरी तरह से जैसे कि शाम के अराउंड 6:30-7:45 अपने मुंबई में वैसा हो गया है। एंड वन मोर थिंग गाइज, जो ठंड है ना अभी वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है बॉस, इसीलिए मैंने अपने जो ग्लव्स है वो ग्लव्स पहन लिए है, इसमें मेरे को बिल्कुल भी ठंडी नहीं लगती है। एंड मोर ओवर अभी जो अंदर थर्मल लाइनर है वो सब नहीं डाला है, लेकिन वही तो ठंडी का एंजॉय करने के लिए आया हूँ, अगर बहुत ज़्यादा ठंडी होती है तो ऑब्वियसली मैं वो पहन लूँगा। एंड इसी के साथ आई गेस कि हम लोग अभी नॉर्थ ईस्ट जो है इंडिया का रीजन वहाँ पे एंटर कर रहे हैं, और यहाँ के आगे ही जो अपनी ट्रिप है वो असल में शुरू होगी। ये जो 4 दिन थे, 4 वीडियो थे, अगर आपने देखे रहेंगे तो बहुत अच्छा है, अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज़ पीछे जाके देखिए इसके पहले के 4 वीडियो, और जो मेन वीडियो है वो इससे आगे ही शुरू होंगे। नॉर्थ ईस्ट इंडिया, भूटान, तवांग, बहुत सारी चीज़ें आने वाली है गाइस। तो अभी हम गाड़ी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं और रोड के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो अभी मैं आपको सीधा सिलीगुड़ी के होटल में जाके मिलता हूँ, नाइट हो गई है, ज़्यादा कुछ आपको है नहीं दिखाने के लिए, अनटिल देन बाय बाय गाइस, सीधा आपको मिलता हूँ होटल रूम में। हे दोस्तों, रात को बहुत ज़्यादा लेट हो गया कि यार सब रूम और ये सब ढूंढना है एंड उसके बाद फिर चेक इन करना है, तो एटलीस्ट 10:30-10:30 बज गए, तो मैं आपको बता नहीं पाया, मैं आपको मिल नहीं पाया, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। इसलिए मैं ये वीडियो अभी एंड कर रहा हूँ मॉर्निंग में। दिस इज़ अवर रूम, टोटली उसकी लग गई है, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पे अर्थक्वेक आया था कल रात को, मतलब ये अभी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो की यानी जो आगे आने वाला वीडियो है उसकी स्टार्टिंग कर लेता हूँ। चलो गाइस बाय, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, बाय।